हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं, मेरे पास जियो का मॉडल है, पूरा डेड कंडीशन में आया है। देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दो पहले से ऑलरेडी मैं इसको खोल के रखी हूँ कि मैं इसको यहाँ पर एक वीडियो बना दो इसके लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरा समझाएंगे आपको कैसे डेड मोबाइल को चालू करना है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर पर चेक करना है इसको। तो यहाँ पर इस मल्टीमीटर का आपको बीप मोड को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बीप मोड पर सेट करा मैंने। जो भी इसकी सप्लाई जो भी है इसकी सारी अपन चेक करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं बीप मोड पर सेट करा मैंने इसको। जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पर अपन चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह मतलब बीप मोड सेट करना अपने को। जो भी माइनस प्लस की जो इसके बैटरी कनेक्टर है वहाँ पर हम सप्लाई चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट बता रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें हाफ शॉटिंग है, मतलब फुल शॉटिंग बता रहा। हाफ शॉटिंग में तो थोड़ा सा कम लेता वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यह हाफ शॉटिंग बता रहा है। मैंने इसको डीसी मशीन पे भी चेक कर लिया, वहाँ पर शॉटिंग बता रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर शॉटिंग है। तो ये शॉटिंग कैसे निकालते हैं स्टेप स्टेप वीडियो में पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो, अगर अपन कोई भी यहाँ पर कंप्यूटर चेक करेंगे तो वो भी मतलब फॉल्ट होंगे, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर शॉर्ट बताएंगे। सबसे पहले अपन करना क्या है, एक एक करके सारे कंप्यूटर को अपन को चेक कर लेना है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है वो सारे चेक कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉल्ट है, फुल शॉर्ट बता रहा, ठीक है। तो इस तरह अपने को स्टेप बाई स्टेप चेक करना है कहाँ शॉटिंग है। अब जो इसकी आईसी आईसी के पास में अपन चेक कर लेते हैं कहाँ पर शॉर्ट है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि अपने को मतलब चेक हो जाए कहाँ कहाँ शॉटिंग, ठीक है। अगर न्यू अगर डायरेक्ट करोगे भाई ये कंप्यूटर निकाल दे वो कंप्यूटर निकाल दे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाते रहते हो। देख सकते हैं यहाँ पर भी शॉटिंग आ रही है इसमें, इस तरह मतलब शॉटिंग बता रहा है। तो आप ध्यान रखना है शॉटिंग यहाँ पर भी है इसकी, जो भी कहाँ पर भी शॉटिंग होगा सारी चेक करना कहाँ पर शॉटिंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन आपको यही करना रहता है कहाँ पर शॉट है। तो यहाँ पर शॉटिंग आ रही है इसके अंदर। वो जो अपने कंप्यूटर लगा हुआ है यहाँ पर भी ये शॉट बता रहा है, देख सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर भी ये शॉट दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर शॉटिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये भी कंप्यूटर शॉट है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि पता नहीं कौन सा डाउट शॉर्ट है इसमें से। जैसे यहाँ पर है वो यहाँ पर भी, ठीक है। तीन चार जगह मेरा शॉर्टिंग बता रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करना है, कोई सा कंप्यूटर तोड़ना नहीं है। सबसे पहले इसको एक ट्री की ट्रिक लगानी है अपने को यहाँ स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रोजिन है वो रोजिन लगाना अपने को। जहाँ भी अगर जहाँ पर भी शॉर्टिंग है मतलब फॉल्ट है जो भी कंप्यूटर है वहाँ पर अपने को रोजिन लगाना, ठीक है। इस तरह मतलब यहाँ पर रोजिन लगाना अपना जब कहाँ पर भी शॉर्टिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा दिया मैंने। जहाँ जिस जगह मतलब वहाँ पर शॉटिंग है वहाँ पर अपने को रोजिन लगाना, ठीक है। ये वाला पेस्ट सबके पास मिल जाएगा आपके पास रोजिन वाला, ठीक है। तो इस तरह मैंने लगाना और आपको जो बैटरी शॉट क्लियर बना लेना, ठीक है। जो बैटरी शॉट क्लियर है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इससे अपने इसकी शॉटिंग निकालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर टच करने वाले उसको, और जहाँ पर भी शॉटिंग होगी वो डाउट मतलब शॉट जाएगा या फिर उसमें कुछ हल्का सा गीला हो जाएगा, ठीक है रोजिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लगा दें इसके अंदर, ये देखो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर से लगा चेक कर लेता हूँ। जो वाला ये कंप्यूटर है ना, ये वाला, इसमें से यहाँ से शॉर्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर ये। अगर ये अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर एक बार यहाँ पर क्या करना अपने, जो पेट्रोल ना पेट्रोल डाल के चेक कर सकते हैं। देख एक बार फिर चेक कर देता आपको यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वो पिघल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना अपने का, हल्का सा निकला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, पेट्रोल डालना था हल्का सा, ठीक है, फिर चेक करना अपना पेट्रोल डाल के यहाँ पर चेक करना अपने को, ठीक है। तो एक बार अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिर भी इसको, अभी फिर भी शॉर्टिंग है इसके अंदर। तो अपने यहाँ पेट्रोल डाल देंगे इसके ऊपर, ये हल्का सा डालना पेट्रोल इस जगह, तो फिर चेक करेंगे अपन एक बार, फिर से अपन शॉर्ट क्लियर यूज करेंगे। देख सकते हैं मतलब जो कंप्यूटर है ये शॉर्ट है इसका, ये वाला देख सकते हैं आप, पेट्रोल से एकदम पता चल जाता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह आप एक शॉर्ट क्लियर आप निकाल सकते हैं, जो भी शॉर्टिंग वोटिंग जो भी है शॉर्ट क्लियर से, ठीक है। ये तो अपने को इस कंडीशन में क्या करना है, जो जो कंप्यूटर लगा इसको अपने को, और जो बंदे चले वो सब्सक्राइब कर लेना है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारी, ठीक है। इस तरह तो इस कंप्यूटर को अपने बाहर करना है और फिर चेक करना है। तो इसको सबसे पहले इसको हटा ही देते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ से इसको इसको रिमूव कर देते हैं अपन यहाँ पर। इस तरह रिमूव करने के बाद 100% जो मोबाइल चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो
इसको निकाल देते हैं ऐसे, 100% इसको मोबाइल चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी तो चलिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर अपनी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से शॉर्टिंग अपनी निकली कि निकली वो चेक कर लेते हैं स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं चालू कर लूँ। और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, ठीक। देख सकते हो ये आपको दिखा दिया मैंने, और आपको मोबाइल चालू करके दिखा देता हूँ आपको मैं।